रचना सागर प्रीमियर लीग सीजन टू, और मेरे साथ हैं एमडी नीरज गुप्ता सर। सर सबसे पहले तो ये कि सीजन टू जो है आरएसपीएल का वो शुरू हो चुका है, खेलना शुरू किया गया चुका जा चुका है और कई सारे मैचेस जो हैं वो हो चुके हैं। सीजन टू तक का सफ़र कैसा रहा? थैंक यू अंशुल जी। आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार हमारे साथ 6 टीम्स थी और इस बार लोगों का इतना उत्साह है कि हमें 8 टीम्स करनी पड़ी और उसमें भी एक टीम में 17-18 प्लेयर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे इसका ये एक फेस्टिवल बनता जा रहा है सेकंड सीज़न जो है, और लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑफिस बॉय, ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, एडिटर्स, प्लेयर्स, सेल्स टीम, मतलब सब इस चीज़ में खेलते हैं। डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CEO, हर कोई इसको एंजॉय कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता जब 2 दिन आप सब कुछ भूल के काम और आप एंजॉय करते हो। क्योंकि RSPL की मैं हर बार आपसे पूछता हूँ किस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया, क्या करा, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव की शुरुआत जो है वो रचना सागर ने कैसे की? ये शुरुआत एक्चुअली मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया था कि हमारा पब्लिशर्स क्रिकेट लीग एक बहुत बड़ा इवेंट होता था जो मैंने शुरू किया था कुछ साल पहले, और उसके 2-3 सीजन हमने किए थे। कोविड की वजह से उसको हमें ख़त्म करना पड़ा, बट उसके बाद हमें ऐसा लगा कि यस, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे दिन आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके माइंड में हमेशा वर्क प्रेशर रहता है। तो उसको ईज करने के लिए हमने सोचा जो हमारी टीम है, खुद के जो प्लेयर्स हैं, उन्हीं से अगर हम ये क्रिकेट का मैच रखें, तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत वहीं से हुई थी। एक चीज़ और है, सर ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं बता दूं कि लोकसभा में भी 33% महिलाओं के लिए बिल पास हुआ और सर ने महिलाओं को कंपल्सरी जो है वो रखा है टीम के अंदर। सर ये जो महिलाओं वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब जो वुमेन एम्पावरमेंट मैं तो कहूँगा इसको, किस तरीके से ये इनिशिएटिव को लिया आपने? अच्छा देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीमेल प्लेयर्स को रखना और उनको दो प्लेयर्स एक टीम में कंपल्सरी है। और इस बार 16 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है, पिछली बार 12 वुमेंस थी, इस बार 16 ने किया है, और ये क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है वुमेंस में। और आप देख रहे हैं कि कुछ फीमेल प्लेयर्स को भी आज अवार्ड मिला है और बड़ा अच्छा खेला है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जस्ट टाइम पास किया, दे हैव प्लेड सो वेल। और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर उत्साह उनके अंदर है तो हमें प्रोत्साहन ज़रूर उनको देना चाहिए। और क्योंकि किस तरीके से आप लोग कम्पीट करते हैं, जब आपने बताया कि मतलब नीचे प्यून से लेकर और डायरेक्टर्स तक और मैनेजमेंट और पूरा CEO लेकर और मतलब पूरे ऑफिस का स्टाफ नीचे से ऊपर तक खेल रहा है एक साथ में, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और किस तरीके से ये जो समन्वय है वो इस ग्राउंड पर नज़र आता है? मैं बताऊं अंशुल जी, ये करीब 10-12 दिन से हमने स्टाफ को 1-1.5 घंटा पहले हम फ्री कर देते हैं और वो ग्राउंड्स में खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बताया जैसे एज अ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल है, दिवाली इज़ ऑन जो है अभी आने वाली है और दशहरा है, सब एक माहौल हो जाता है एक फेस्टिवल का। तो हमने सोचा ये एशियन गेम्स के अंदर भी इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये एक 1-1.5 घंटे पहले, और संडेस को भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और आपने देखा कितने कॉम्पिटिटिव मैचेस हो रहे हैं और छक्के चौके लग रहे हैं, तो ये जो सारा जो टीम है वो सब एक तरह से ऑफिस हमारा खाली हो जाता है 5 बजे और सब स्पोर्ट्स इंजॉय करते हैं। खुद नीरज गुप्ता भी इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं, कितना एंजॉय करते हैं और कितना याद करते हैं बचपन के उस समय को जब क्रिकेट खेलने बाहर निकला करते थे? मैं अपने बच्चे के लिए, तनुष जो है और मेरी वाइफ दोनों ही क्रिकेट लवर्स हैं, और मेरा बेटा तो बहुत क्रेजी है और उसने ही मुझे थोड़ा सा इनिशिएटिव दिया था पब्लिशर्स क्रिकेट लीग का और रचना सागर क्रिकेट लीग का। उसके लिए मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ और हम कभी कभी खेल लेते हैं मैच, तो मुझे आई रियली इंजॉय है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बीइंग MD की, किस तरीके से खेलना चाहिए, क्या स्प्रिट होनी चाहिए और क्या कुछ आगे मोटिव होना चाहिए? देखिए, मैंने सबसे पहले जो कैप्टन्स थे हमारे उनको यही बोला था बेसिकली कि आपको खेलना है, यू ईदर विन और यू लर्न, यू नेवर लूज। तो आपको लर्न करना है, आपको फीमेल स्टाफ को और मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं, आपको इन्जॉय करना है और पूरा सबको मौका देना है। हमने जो 16 प्लेयर्स हैं उनको ये बोला है कि आप पहले 12 प्लेयर्स खेलें, 11 प्लेयर्स खेलें, अगले मैच में दूसरे प्लेयर्स खेलें, ऐसा नहीं कि वो एक्स्ट्राज हैं। तो सब लोग, यही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यही एक मोटिवेशन है जो सब टीम को मिलती है। RSPL कहाँ तक जाने वाला है सर? मुझे लगता है कि इसके हर साल सीज़न होने चाहिए और टीम्स बढ़नी चाहिए, और जब तक RSPL है तब तक RSCL रहेगा मुझे लगता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रचना सागर के कुछ खिलाड़ियों ने मेरे से कुछ गुजारिश की थी तो मैं सर से डिस्कस कर देता हूँ। सर, लोगों का कहना है कि साल में एक बार नहीं 2 बार ये लीग होनी चाहिए। तो फिर तो हमारा जो रेवेन्यू है वो मुझे नहीं पता वो कम होगा या क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ठीक है, कोशिश करके देखते हैं, अगर और ज़्यादा उत्साह होगा
तो इसको दो दो हिस्सों में भी बांटेंगे। और अगली बार क्या कुछ नया करने वाले सर, क्या प्लान किया अभी? नहीं, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है इस बार। इस सीज़न की जो है कल हम इसका फाइनल्स होंगे, उसके बाद देखते हैं, कुछ और व्यूज़ मिलते हैं तो हम डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए तो मेरे साथ रचना सागर के MD खुद नीरज गुप्ता जी मौजूद थे। बताया कि रचना सागर की ये जो लीग है RSPL सीज़न 2 किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है और आगे किस तरीके से जाने वाला। बने रहिएगा मेरे साथ।